जनाब सदर और जमी असहाब एहतराम और मेरी मेमन मौजूद हैं। सबसे पहले ये बात आपको साफ कह दूँ कि जिस वक्त भी मैं आप बरादरी में आता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इसकी वजह यह है, उम्मते मरहुमा में जो इंतजार है उसके बावजूद आप लोगों ने जो फेडरेशन के जरिए काम किया है बहुत बड़ी बात है। हकीकत तो यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मुस्लिम इकॉनमी की आप बैकबोन से कोई शक नहीं। जो चीज देखी गई और देखी जाती थी वो ये कि आप लोग जिस चीज को अपनाए हैं वो सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तिजारत, लेकिन सिर्फ अपने आप को वहां तक आप लोगों ने महदूद रखा था। जरूरत तो इस बात की है कि आप सारे मेमन ब्रादरी हिम्मत के दूसरे मामला में भी आगे बढ़कर हिस्सा लें और खासकर तालीम को अपनाएं। अनुवाद में सज्जाद जानता है, मैं नाम भूल गया उस वक्त का, कि केमिस्ट्री का एक पीएचडी मेमन ब्रादरी का आया तो बड़ी तबियत कुछ थी। शायद मैं समझता हूँ कि वो मेमन ब्रादरी का सबसे बड़ा और सबसे पहला जो है ना पी एच डी मुझे याद है वो बात। तो आप अंदाजा लगाइए मेरे पास उस बात की कितनी अहमियत है। तालीम, तालीम के बगैर कोई सिविलाइजेशन कामयाब नहीं होती। याद रखिए कुरान में इनके बारे में जो आयत नाजिल हुई वो आप देखिएगा, नमाज से पहले, ज़कात से पहले, हज से पहले, हर चीज से पहले जिस चीज का जिक्र किया गया अल्लाह ताला ने वो तालीम की तरफ से रखा है। और कुरान में 800 से ज्यादा जगह पर इल्म का नाम लिया गया जो अल्लाह ताला के नाम के बाद किसी चीज का नाम दिया गया है। तो अगर आज मुसलमान दुनिया में जलील और रुस्वा हो रहे हैं यकीनन कोई शक और शुबा नहीं है, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन से थी। मैं हकीकत से कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी की सुबह और शाम मुसलमानों की खिदमत और तालीम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी रोटी बड़ी इज्जत से और बड़ी आराम से दी है, लेकिन मैं अपने आप को वक्त किया है कि रिश्ता तकरीबन 40-50 साल और मुसलमानों की जिंदगी उनके नशे पर फराज देखा है। एक वो जमाना था जब अनबाजों में सैकड़ों साइकिल की खतारें लगी हुई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी अनबाजों में हमने देखा है और देखते हैं सैकड़ों मोटरसाइकिल। सिर्फ तालीम की वजह दोस्तों, तालीम की अहमियत का अंदाजा आप लोग लगाइएगा। आपने मंजिस को संवारा है उन बच्चों को इनाम देने की खातिर जो तालीम में अपना मुकाम पैदा किया। 1857 की जंग, उसके बाद उस तारीख की छोटे से वाकयात को आपके सामने पेश कर दूँ ताकि आपका हाफिजा फिर वापस होना रिफ्रेश हो जाए। दिल्ली में मुसलमानों के 200 मदरसे थे 1857 का दिल्ली। आप अंदर लगी कितना छोटा था। सबसे पहले अंग्रेजों ने अगर कोई काम किया तो उन मदरसों को बंद किया। सबसे पहले उन मदरसों को बंद किया।
उसकी वजह बहुत कम लोग जानते हैं। 1857 मुस्लिम उलमा में से 34,000 मुस्लिम उलमा को दिल्ली के लाल किले के अक्सर मैदानों में शहीद किए गए। और अगर कोई फौज डरती है किसी फौज से तो उसके उलमा से। उलमा का मतलब सिर्फ यह नहीं है जो मस्जिद के उलमा या आज तक जो मदरसे के उलमा है। आलिम का मतलब यह है कि जो इल्म रखता है ना सिर्फ कुरान का बल्कि कुरान के साथ दुनिया का हर चीज का इल्म रखता है, उसकी बड़ी अहमियत है। इसलिए कहा गया है कि कुरान का रास्ता आलिम का रास्ता है, इल्म का रास्ता। ये बात कही गई है कि शोहदा के खून से ज्यादा अफजल आलिम की खलम की सियाही है। ये मैंने कहा आपने कहा, अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल। और आप अंदाजा लगाइए कि आज मुस्लिम कौम इस इल्म से कितनी दूर हो गई है, इस इल्म से कितनी दूर हो गई है, आप अंदाजा लगाइए। आप देखिएगा डिस्कवरी चैनल में देखते रहता हूं, क्या कोई मुसलमान नजर आता है साइंटिस्ट काम करते हुए? बोलिए, आज मुसलमानों की तादाद कम नहीं है मेरे दोस्त, 1.7 बिलियन के करीब है। क्या बात है? रीजन सोचना चाहिए आपको, मुझको हर एक को। इल्म से दूरी क्यों? तो बात याद रखिए, बुरा ना मानना। अगर आप अपनी औलाद को इल्म के मामले में अवसर रखते हैं, उनके साथ ज्यादा करते हैं, आप अपना फर्ज जताई नहीं कर रहे हैं और इसके अल्लाह के पास कुछ। ये मत समझिए कि 5 वक्त की नमाज, ज़कात, रोज़ा, लंबी दाढ़ी, लंबा जुब्बा ही काफी है। नहीं, आता ही कौम को इल्म देना, इल्म से संवारना, कौम को आगे लाना, ये जरूरी है। सारी कौम, आपकी कौम, मेरी कौम ने इस मुल्क में, इस मुल्क की खातिर खून बहा है, इसकी इज्जत की खातिर हमने जान दी है, हजारों दिए हैं। 1857 उसके पहले के वाकयात की तारीख आप और से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन क्या है। अभी मैंने अर्ज किया कि 34,000 से ज्यादा मुस्लिम उलमा को खत्म किया गया है, शहीद किया गया। आपको अंदाजा है क्या ये 1857 के वाकयात को अंग्रेजों ने और उसके बाद आरएसएस ने साजिश की, साजिश करकर दो काम किए। एक सबसे बड़ा काम यह है कि 1857 का मुसलमानों का जो ताल्लुक था ना, उसको खत्म किया, उस तारीख को खत्म कर दिया। 1857 में सिर्फ नाम लेते हैं किसका, उन लोगों का, भगत सिंह, यकीनन भगत सिंह यकीनन बहुत बड़ा रुपा थे, चंद्रशेखर, सुखदेव यकीनन थे, लेकिन नाम नहीं लेते किसका, अशफाकुल्लाह खान। ये वो शख्स था जो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ, जो दोनों उर्दू के शायर थे, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान, एक 30 साल का था और दूसरा 27 साल का। इनको अंग्रेजों ने खत्म किया। नाम दिया जाता है राम प्रसाद, लेकिन नाम नहीं लेते अशफाकुल्लाह। ये तारीख की तारीख आप अपनी औलाद को देना और हर मुसलमान घर के अंदर हम इस चीज को पहुंचाना जरूरी है। क्यों? कि आपने आप कौम और मेरी कौम जो है हमारा सेक्रीफाइस है, इल्म की वजह से हम बिछड़ रहे हैं, दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम पर जुल्म हो रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, हकीकत को छुपाया जा रहा है, तारीख को जो है ना ख़त्म किया जा रहा है और तारीख को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये आज की बैठक उनके लिए है,
जो इनकी कोशिश में है और जो इन अपना मुकाम पैदा किया है इन बच्चों ने इल्म के मैदान में, और ये बच्चे खाद का फख्र हैं दोस्तों। मत भूलना इस बात कि इस वक्त जो चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हर घर में कुरान पढ़ा जाए, यकीनन पढ़ा जाए, कोई शक और शुबा नहीं, और हर घर में उर्दू की तारीफ हो जो हमारी जुबान है। यकीनन आप लोग गुजराती जुबान बोलने वाले हैं मैं जानता हूँ, लेकिन ये मत भूलना कि आपकी पहचान उर्दू जुबान है। इस मुल्क में अफसोस की बात यह है कि 1857 के बाद उर्दू को मुंतलिक किया गया मुसलमानों के साथ, ये जुल्म है उसका बात, ये जुल्म है उसका बात। राम प्रसाद जिसमें उर्दू का शायर था, मुसलमान भी था, हिंदू था, और इंतहाई रिलीजियस था, मजहबी हिंदू था, बोलता था उर्दू, लिखता था उर्दू में, तखल्लुस किया बिस्मिल से, तखल्लुस को अपनाया बिस्मिल, बिस्मिल को तखल्लुस के लिए अपनाया उस शख्स ने। और आप देखिए कि एक कई बड़ी फहरिस्त निकलेगी हिंदुओं की जिसने जिन्होंने उर्दू दान के उर्दू को अपनाया, उर्दू की खिदमत, इस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। चकबा खत्ता ही हिंदू था, उर्दू का बहुत बड़ा आलिम था, राइटर था, मुंशी प्रेमचंद हैं, और हाल ही में राजेंद्र सिंह बेदी जो एक चादर सिंह मैगी सिंह लिखा मोहम्मद, ये सारे उर्दू के लोग थे। कोई सिख था, कोई मुसलमान था, कोई हिंदू था, उर्दू इन सब की जो बात थी, लेकिन उसको मुंतकिल कर दिया गया कि आपकी उम्मीदें तो ठीक है, वो बात आपकी जबान है, मेरी जबान है, यकीनन उर्दू हमारी मातृ जबान है, और हम फख्र करते हैं उस बात। उर्दू का एक बहुत बड़ा नारा था, हिंदुस्तान की हजारों जबानें हैं, सैकड़ों नहीं हजारों, कई लिखी जाती हैं, कई डायलेक्ट हैं, खाली नहीं लिखी जाती, लेकिन किसी जबान ने इन खिलाफ जिंदाबाद का नारा नहीं दिया। ये नारा सिर्फ आपकी और मेरी जबान ने दिया, ये नारा देने वाले आपके और मेरे बुजुर्ग थे, मत भूलना ही बात।